जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो बेसिक आइडिया है या बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो बेसिक जो टेनेंट्स हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, किस लिए इस्तेमाल होता है, इसके अंदर जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स के जो बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या क्या है। तो आइए पहले हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात कर लें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू एन इंफॉर्मेशन, सो दैट डिफरेंट पीपल जो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले हैं वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, राइट। तो बुनियादी कॉन्सेप्ट तो ये। दो डेफिनेशंस यहाँ पर हम एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये ऐसा सिस्टम जो कि इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स से मिलकर बना हो, और वो जो कंपोनेंट्स क्या कर रहे हो, वो कलेक्ट कर रहे हो डेटा को, मैनिपुलेट कर रहे हो डेटा को, स्टोर कर रहे हो डेटा को, और फिर उन डेटा को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हो इंफॉर्मेशन, और फिर साथ ही साथ उसको डिसेमिनेट भी कर रहे हो एंड प्रोवाइड अ फीडबैक मैकेनिज्म, ताकि हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनको कर सकें, और फिर कंट्रोल और जो परफॉर्मेंस है उनको कंट्रोल भी कर सकें। एक डेफिनेशन और है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, नेटवर्क एंड डेटा रिसोर्सेज दैट कलेक्ट डेटा, ट्रांसफॉर्म इंटू इट इंटू इंफॉर्मेशन एंड डिसेमिनेट इट टू वेरियस यूजर। तो वही बात हो गई कि ये इन चीजों से मिलकर बनता है, डेटा कैप्चर करता है, ट्रांसफॉर्म करता है इंटू इंफॉर्मेशन, और फिर मुख्तलिफ यूजर्स को डिसेमिनेट की जाती है ताकि वो डिफरेंट लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग करना चाहें तो वो कर सकें। अच्छा जी, अब अगर हम ये देखें कि जो हमारा डेटा है वो क्या है और इंफॉर्मेशन है वो क्या, तो डेटा हमारे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, विच डेटा जो है दैट एग्जिस्ट इन समथिंग, दैट एग्जिस्ट इन सर्टेन टाइम एंड स्पेस, ठीक है। इट हैज सर्टेन वैल्यू, लेकिन वो इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो डेटा हमेशा क्या होगा, वो रॉ फैक्ट होगा, फिगर होगा, जैसे कि आज की तारीख दैट इज अ डेटा, इसकी सैलरी कितनी है फॉर एग्जाम्पल 50,000 है, दैट इज अ डेटा, राइट। आपके इस कोर्स का नाम क्या है, दैट इज अ डेटा, ठीक है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन कब बनता है, जब हम मुख्तलिफ डेटा को कंबाइन ऑर्गेनाइज करते हैं इन सच अ मैनर कि हम उस कॉम्बिनेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की मदद से कोई पिक्चर क्रिएट कर सकें, कोई कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर सकें, और जब वो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाता है और उसकी बुनियाद पर हम उसको समझ सकें, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग होगी जब कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होगा, हम कोई पिक्चर क्रिएट कर पाएंगे। तो जब ऐसा हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को हम लोग क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। सो अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट दे हैव एडिशनल वैल्यू बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ द फैक्ट देमसेल्व्स। तो एडिशनल वैल्यू क्या है, वो वैल्यू जिसकी मदद से पिक्चर क्रिएट कर सकें, इसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, राइट। और ये इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल हो, ये जो डेटा सेट है वो मीनिंगफुल हो जाए। जब ऐसा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो इंफॉर्मेशन कहलाएगा। तो डिफाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिलेशनशिप अमंग डेटा क्रिएट्स इंफॉर्मेशन। तो हम डिफाइन करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट डेटा सेट। तो जो आपके डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं उनको उनके अंदर कोई रिलेशन डिवेलप की जाती है, राइट। और उसी से डिटरमाइंड होते हैं और वही फिर हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है। अच्छा, अब ये जो क्लासिफिकेशन है या जो प्रोसेसिंग है जिसकी वजह से एक पिक्चर क्रिएट होती है या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो नॉर्मली हम प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग कितनी किस्म की हो सकती है। यहाँ पर कुछ है कि हम डेटा पे कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेटा
कंपैरिजन कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि हम लोग डेटा पे करते हैं, इसको हम डेटा प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। और इनकी मदद से जो चीज़ें हैं, जो डेटा है, वो इस काबिल होता है कि हम उसमें जो एडिड वैल्यू, हमने कहा कि वो चीज़ जिसकी मदद से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हो, जो इंफॉर्मेशन होती है, तो इंफॉर्मेशन बनाने के लिए हम इनमें से ही सारे के सारे काम कर रहे होते हैं या कुछ एक काम कर रहे होते हैं, राइट। और फिर यहाँ पर द क्वालिटी ऑफ द डेटा मस्ट बी मैनिपुलेटेड बाय कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एंड अपडेटिंग एक्टिविटीज। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, हम इनको करेक्ट भी कर रहे होते हैं, अपडेट भी कर रहे होते हैं, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक यहाँ पर डायग्राम बनाने की बात करूँ, तो ये सारी आपके पास इसके कंपोनेंट, कोई भी सिस्टम अगर हो तो सिस्टम के ये पांच कंपोनेंट्स होते हैं। हर सिस्टम, पहली बात तो ये कि जो सिस्टम है वो किसी न किसी एनवायरनमेंट के अंदर होगा, और एनवायरनमेंट और सिस्टम के अंदर जो डिफरेंशिएट होगा वो उसको हम बाउंड्री कहेंगे। तो ये जो हिस्सा है, ये हमारी क्या है, ये हमारी बाउंड्री, और इस बाउंड्री के अंदर क्या है, हमारा सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या होगा कि इनपुट दी जाएगी, डेटा जो होगा इन फॉर्म ऑफ इनपुट होगा, फिर वो आपका प्रोसेस होगा, और वो फिर आपका आउटपुट होगा। लेकिन ये आउटपुट है, अगर यहाँ पर कंट्रोल मैकेनिज्म, और हमें पता है कि कोई भी वेरिएशन आ सकती है, जो रिक्वायर्ड आउटपुट अगर नहीं आ रही तो फिर हम उसको कंट्रोल करेंगे, ये वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे, और जब आउटपुट हमारे पास आ जाएगी तो वो हम क्या कर देंगे, उसको हम बाहर निकाल देंगे, जो कि इंफॉर्मेशन की फॉर्म में होगी। और फिर ये प्रोसेस हम यहाँ पर रिपीट भी कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन उसको फीडबैक के तौर पर यहाँ पर लेंगे, ये यहाँ पर जाएगा, और ये फिर प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। और जब तमाम कंट्रोल जो मैकेनिज्म है वो इन प्लेस हैं और वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास जो फाइनल चीज़ बन के सामने आएगी वो इंफॉर्मेशन होगी, और इसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाएगा मैनेजमेंट डिसीजन के लिए। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसकी बेस पर हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बनते हैं और इसी तरीके से काम होता है। अच्छा, इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट को जरा दोबारा देखें, अ सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड टास्क परफॉर्म टू अचीव ए डिफाइंड आउटकम। तो प्रोसेस, जैसे कि अभी हमने कहा कि क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, समराइजेशन भी हो सकती है, कैलकुलेशन भी हो सकती है, सॉर्टिंग भी हो सकती है, तो ये सारे क्या है, प्रोसेस हैं, वो लॉजिकली हैं, रिलेटेड टास्क हैं, परफॉर्म टू अचीव ए डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। तो अगर सॉर्टिंग किया तो हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, और ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे छोटे छोटे स्टेप हो सकते हैं जिसकी बेसिस पे आपका डेटा क्या हो, ऑर्गेनाइज हो जाए। अच्छा, अब नॉलेज क्या है कि एन अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वेज दैट इंफॉर्मेशन कैन बी मेड यूजफुल टू सपोर्ट अ स्पेसिफिक टास्क टू रीच ए डिसीजन। तो हमने ये भी देखा था कि जब इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करते हैं, डिसीजन आता है, तो डिसीजन जब होता है तो उससे हमारा एक्सपीरियंस बनता है, उस एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर फिर हमारी नॉलेज क्रिएट होती है, और फिर हम उस इंफॉर्मेशन को अगर वाइजली अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करें तो हमारे जो डिसीजंस होंगे वो बेहतर डिसीजंस होंगे। तो जो फॉर्मेशन है वो किस पर है, वो आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर है। अच्छा, अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन पर जरा जल्दी से बात कर लें। द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हाउ इट हेल्प्स डिसीजन मेकर्स टू अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगी कि ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जो कि मदद करे डिसीजन की, जिसकी मदद से वो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो अकम्प्लिश कर सके। सिस्टम के डेफिनेशन जरा जल्दी से देख लें। सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश ए यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव। और इसको अगर हम ऑर्गेनाइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन को भी हम लोग सिस्टम के तौर पर ले सकते हैं, और ये जो है
An organization can be viewed as a system. It consists of different interdependent functional areas. तो इसमें HR है, इसके अंदर sales and marketing है, इसमें accounts हैं. ये different functional areas हैं जो कि although के ये हैं, लेकिन ये interrelated भी हैं. ठीक है? All are working together to achieve a organizational objective. और वो क्या है कि profit create करना या जो भी उनका organization का अर्थ ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना. अब बिल्डिंग ब्लॉक्स पे बात कर लें. जो किसी भी इंफॉर्मेशन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या हो सकते हैं. हार्डवेयर हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर है, डेटाबेसेस है, पीपल है, प्रोसीजर्स हैं, और साथ एक नया कंपोनेंट जिसको हम टेली कम्युनिकेशन कह रहे हैं. तो जो हार्डवेयर है वो आपके आपका कंप्यूटर इक्विपमेंट है, सॉफ्टवेयर आपके डिफरेंट टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे जो कंपोजिशंस होती हैं ये इंफॉर्मेशन इन सब से मिलके इंफॉर्मेशन सिस्टम. डेटा है या डेटाबेसेस है, अगर हम पहले तो डेटा को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होगा तो वो हमारी डेटाबेसेस होगी. तो एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जिसको हम डेटाबेस कह रहे हैं. फिर वो लोग जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं सो दैट दे कैन मेक डिफरेंट डिसीजंस. और फिर जो हमारे पास आपके प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं, मेथड्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम को बिल्ड करने के लिए और उसको करने के लिए. फिर एक और चीज़ है टेली कम्युनिकेशन. तो जाहिर है कि अब जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्लाउड पे भी चला गया, मुख्तलिफ लोकेशंस पे हमारे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं. तो उनकी इंटरकनेक्टिविटी के लिए, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं टेली कम्युनिकेशन की, जो कि नेटवर्क भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रॉनिक आपकी कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, इंट्रानेट है और आपके एक्स्ट्रानेट हैं. तो इनकी इनकी जो कंपोजिशन से हमारा क्या बनता है, हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है. अब बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स है, इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम लोग इंटरनेट के जरिए करते हैं, इसमें बहुत सारे बी टू बी भी हो सकता है, बी टू सी भी हो सकता है, सी टू सी भी हो सकता है, ठीक है, बी टू जी भी हो सकता है, सी टू जी भी हो सकता है. तो डिफरेंट वेरिएशन हैं, ठीक है. एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली उसको हम क्या कहेंगे, ई कॉमर्स कहेंगे. और अगर इन्हीं चीज़ों को हम मोबाइल के जरिए करें तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा एम कॉमर्स कहलाएगा. अच्छा, इसके बाद जो ट्रांजैक्शन कंडक्टेड एनीवेयर एनी टाइम रिलाइज ऑन वायरलेस कम्युनिकेशन उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग एम कॉमर्स बोल रहे हैं. अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने ट्रांजेक्शन की बात कर लेते हैं. तो जो आपकी ट्रांजेक्शन होगी वो बिजनेस रिलेटेड एक्सचेंज होगी, एविडेंस ऑफ बिजनेस इवेंट होगा, कोई भी एक्सचेंज हो रही है तो वो आपकी ट्रांजेक्शन कहलाएगी. और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का काम होगा कि इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करे, ठीक है, सिस्टम विच रिकॉर्ड कम्प्लीटेड बिजनेस ट्रांजेक्शन. इसका बुनियादी पर्पज यही है, जितने भी जैसे पॉइंट ऑफ सेल्स हमारे हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. फिर हमारे पास इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है. और ये एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा जो कि डिफरेंट फंक्शनल एरियाज को, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होगा, उनके जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होंगे, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होंगे, उनको इंटरकनेक्ट करेगा यूजिंग ए सिंगल डेटाबेस. तो इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सिंगल डेटाबेस है. तो सिंगल डेटाबेस को इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल की जाएगी, और डिफरेंट जो फंक्शनल एरियाज हैं वो कुछ इस तरीके से इंटीग्रेटेड होंगे कि मुख्तलिफ एरियाज अपना जो काम है वो स्मूथली कर सकें और अपने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें. फिर हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अ सिस्टम यूज टू प्रोवाइड रूटीन इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर्स, राइट. इसी तरीके से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, अ सिस्टम यूज टू सपोर्ट प्रॉब्लम स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग. इस पर हम किसी दूसरी वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. फिर जो स्पेशलाइज्ड बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे कि एआई की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फील्ड इन विच द कंप्यूटर टेक्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस. किसी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट को अगर हम सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देते हैं तो वो एआई सॉफ्टवेयर कहलाएगा. और इसकी एक एग्जाम्पल है एक्सपर्ट सिस्टम. तो
a system that gives a computer the ability to make suggestions and act like an expert in a particular field, right? और फिर इसके बाद हमारी knowledge base है, the collection of data, rules, procedure and a relationship that must be allowed to achieve value or the proper outcome. हमारे पास कुछ knowledge base के अंदर हम facts रखते हैं और फिर हम एक inference mechanism develop करते हैं जिसकी मदद से कंक्लूजन डिराइव की जाती हैं और वही हमारी इंफॉर्मेशन होगी और उसी इंफॉर्मेशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए. तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से. आई होप कि जो बेसिक आइडिया था इंफॉर्मेशन सिस्टम का, सिस्टम होता क्या है, आपको समझ आ गया होगा. तो बुनियादी तौर पर इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो एक ऐसा सिस्टम जो कि मुख्तलिफ कंपोनेंट से मिलकर बनता हो, बुनियादी काम उसका ये हो कि वो डेटा को कैप्चर करे और डेटा को फिर प्रोसेस करके ट्रांसफॉर्म करे इंफॉर्मेशन सिस्टम इनटू एन इंफॉर्मेशन, और ताकि ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल हो सके डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट. I hope the concept is clear now.